हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, प्रेगनेंसी में अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी सांस फूलती है तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। सांस ज़्यादा फूलना आपके बच्चे के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है, आपके लिए कैसे हानिकारक हो सकता है, प्रेगनेंसी में कब तक ये नॉर्मल रहता है और कब ये अबनॉर्मल हो जाता है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बट उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। वीडियो में कोई भी कमी लगे तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांस फूलने के बहुत ही मिनिमम से कारण है, बहुत ज़्यादा मैं घुमा फिरा के आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सीधा सीधा सीधे तरीके से बताती हूँ। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम का मतलब है अगर आपका बीपी हाई रहता है या लो रहता है, दोनों ही कंडीशन में हाई हो या लो हो आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो ये नॉर्मल है सांस फूलना, बट बीपी की प्रॉब्लम भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका बीपी हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। प्रेगनेंसी में बीपी का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बेबी को भी आपसे ही ब्लड जाता है। अगर बीपी हाई या नॉर्मल रहेगा तो आपके बच्चे को भी उसी तरीके से ब्लड फ्लो रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ, अगर आप लोगों को लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी के मुकाबले, तो ये भी एक मेन साइन है कि आपका सांस फूलना या आपको थकान रहना। उसके बाद अगर आपको शुगर है तो शुगर भी एक मेन रीज़न होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैरों में पेन होता है, बहुत ज़्यादा आपको थकान फील होती है। अच्छा, सांस फूलना जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है आपका, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सांस फूलने से लेकर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी तरीके की आपकी लाइफस्टाइल चल रही है, किसी भी तरीके की आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद मैं बात करूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो आपको धीरे धीरे अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही, दूसरी तिमाही में ही अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगी है, सिक्स्थ मंथ में ऑलमोस्ट सभी का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, फिफ्थ मंथ से ही हो जाता है, बट हाँ किसी का अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है तो उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सांस फूलना बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आप थोड़ी बहुत देर ही चल पाओगे, बहुत ज़्यादा आप चल भी नहीं पाओगे, देन आपको अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है तो सीढ़ियाँ चढ़ते ही तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे, बहुत जल्दी सांस फूलने लगेगी आपकी। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो बच्चा ज़्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत बड़े साइज का हो चुका होता है एक नॉर्मल साइज से, तो वो जो बच्चा होता है वो आपके ऊपर पेट तक आने लगता है, जिससे कि आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा नीचे क्या सेफलिक पोजीशन में जाता है ना, वैसे वैसे ये चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, क्योंकि बच्चा जब नीचे खिसक जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पेट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको खाली खाली फील होता है तो सांस इतनी ज़्यादा नहीं फूलती हैं। बट पूरी ट्राइमेस्टर में, लास्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, दोनों ट्राइमेस्टर में आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम फील हो सकती है, दिखाई दे सकती है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हो, लाइक 20-30 कदम 50 कदम ही चलते हो उसके बाद आपकी सांस फूल जाती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा जैसे बात करते करते भी आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। बात करते वक्त नॉर्मली आप बैठे हो, नॉर्मली आप बात कर रहे हो तो सांस नहीं फूलनी चाहिए। ज़्यादा चलने चढ़ने उतरने से, ज़्यादा हैवी काम करने से, जल्दी जल्दी काम करने से, ये मेन कारण हो सकते हैं आपकी सांस फूलने से, बट नॉर्मली बात करने से आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।